तो महाराष्ट्र में चुनाव 288 सीटों के लिए की गए, लेकिन किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इसके बाद अब तक किसी की सरकार नहीं बनी, लेकिन आज यहां पर अमित शाह ने कुछ ऐसी बातें रखी हैं जो आज तक आपको पता नहीं होगी, क्योंकि अगर यहां पर बात करें तो पूरी बातों का खुलासा आज यहां पर अमित शाह रिजल्ट आने के बाद पहली बार बोले हैं। जिस प्रकार से राजनीति में अचानक से बड़ा बदलाव देखने को मिला है, हमने फडणवीस के नाम पर चुनाव लड़ा और वोटें मांगी और हमें यहां पर जो हमारा गठबंधन है उसको यहां पर पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन शिवसेना की शर्त की 50-50 की मांग गलत है। शाह ने साफ तौर पर इनकार किया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो शिवसेना यहां पर मांग रही है कि 50-50 के फॉर्मूले पर यहां पर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। हमें यहां पर कम सीटें मिली, इसी का फायदा वो यहां पर उठा रही है। और राज्यपाल का जहां तक सवाल है कि राज्यपाल ने यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया है, इसकी भी यहां पर वजह पूरी पूरी साफ कर दी है। या दोस्तों, राज्यपाल ने जो किया है वो तय समय पर ही किया है। मौजूदा अगर कार्यकाल की बात की तो 9 नवंबर तक का कार्यकाल था, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगना ही था। अगर यहाँ पर पूरे दलों को मौका दिया गया लेकिन किसी ने यहाँ पर सरकार नहीं बनाई और एनसीपी की चिट्ठी के बाद फैसला लिया गया। जी हाँ दोस्तों, एनसीपी ने जो है जो 8:30 बजे का वक्त यहाँ पर दिया गया था एनसीपी को, लेकिन उसने पहले ही यहाँ पर बता दिया था कि 8:30 बजे तक वो सरकार नहीं बना सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है, लेकिन किसी के पास अगर बहुमत है तो आज भी दावा कर सकता है। या दोस्तों, कोई पार्टी राजभवन जाकर दावा पेश कर सकती है और अपनी जो है सरकार बना सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 18 दिन का समय राज्यपाल ने दिया है, उन्होंने इंतजार किया, इसके बाद ही यहाँ पर जो है विपक्ष यहाँ पर जो राजनीति कर रहा है कि यहाँ पर राज्यपाल ने कम समय दिया है और किसी को 24 घंटे किसी को 48 घंटे दिए गए हैं, तो हमें समय कम क्यों दिया गया। इसके लिए किसी के पास बहुमत है तो वो आज भी दावा कर सकता है। 6 महीने तक अगर किसी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत मिलता है तो वो सरकार बना सकता है। ऐसे उन्होंने कई बातें और भी रखी। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना की जो यहाँ पर गलतफहमी उसको भी यहाँ पर दूर किया। उन्होंने साफ तौर कहा है कि जब हम रैलियां कर रहे थे तब हमने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह हों, सभी ने यहां पर साफ तौर कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही यहां पर चुनाव लड़ा गया और उन्हें यहां पर पूर्ण बहुमत जो गठबंधन उसको मिला, लेकिन अब शिवसेना कहीं ना कहीं इसको निभाती नजर नहीं आई है। तो ऐसे में शिवसेना की शर्त जो है वो मानने लायक नहीं है। इस कारण से बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं। पीएम मोदी ने भी कई बार फडणवीस का नाम लिया, तब शिवसेना ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया। तो जनता से विश्वासघात हमने नहीं किया, शाह ने ऐसा कहा है। शिवसेना 50-50 की मांग जो है बिल्कुल गलत यहां पर है। मैं नहीं चाहता कि बीच में चुनाव हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी महाराष्ट्र के अंदर सरकार बना सकती है। इसके लिए कई तरह के फॉर्मूले सामने निकल कर आ रहे हैं। जी दोस्तों, मौजूदा अगर बात करें तो बीजेपी के पास 105 सीटें हैं। अगर बीजेपी निर्दलीयों के साथ मिलाती है और कई अन्य जो विधायक वो अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बन सकती है। और कहीं ना कहीं इस खेल की डोर जो है वो कांग्रेस के हाथ रही है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय नेशनल लेवल की पार्टी है और कहीं ना कहीं हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है, क्योंकि मौजूदा अगर बात करें तो कर्नाटक में यहाँ पर जो है उपचुनाव होंगे, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर झारखंड में भी 5 चरणों में चुनाव होने हैं, इसके बाद दिल्ली और बिहार, आने वाले समय पश्चिम बंगाल। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि यहाँ पर जनता को किसी प्रकार का भ्रम यहाँ पर पैदा हो। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं कांग्रेस के लिए और हरियाणा में देखने को मिले हैं, तो कांग्रेस आने वाले समय में एक पलटवार कर सकती है। जिस प्रकार से इलेक्शन 2019 में उपचुनाव भी कराए गए थे तो उसके भी परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। तो कांग्रेस यहां पर एक एक कदम बिल्कुल फूक फूक कर रख रही है और कहीं ना कहीं एनसीपी से गठबंधन तो है कांग्रेस का, लेकिन वो इसी राज्य में है, लेकिन कांग्रेस को पूरा देश देखना है, इसलिए कांग्रेस बिल्कुल हर एक कदम फूक फूक कर रख रही है। इसलिए वो यहाँ पर काफी समय लिया है और हो सकता है कि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन हो ही ना, क्योंकि ये बड़ा यहाँ पर गठबंधन होगा अगर होता है। वहीं शिवसेना और बीजेपी जो यहां पर सहयोगी रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि इनका गठबंधन हो जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी प्लस शिवसेना की सरकार बन जाए, लेकिन कांग्रेस एनसीपी शिवसेना का गठबंधन होना काफी मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को आने वाले समय में नुकसान होगा 100%, क्योंकि ये चुनाव का टाइम है और आने वाले चुनाव झारखंड है, इसके अलावा दिल्ली बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल, ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे,
तो उस पर भी यहाँ पर नजर रहेगी। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र के अंदर किसकी बन सकती सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।